दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची देवव्रत आपण मानक ओडिशा वॉइस न्यूज को आज कार्यक्रम रही। आज कार्यक्रम आम अतिथि अच्छा केउंझर जिला तथा चंपा निर्वाचन मंडल सीपीआई नेता तथा कम्युनिस्ट पार्टी युव नेता सहित सीधा सख आज आलोचना करवा खोला कथार कौन कौन सी कौन प्रतिक्रिया रखुंत भी बुझा आपण को स्वागत ओडिशा वॉइस न्यूज को आपण को परिचय मोहम्मद बदरुजमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी युवा नेता। देखु चंपुआ निर्वाचन मंडल युव नेता अच्छा देखा मिलूँ कि चंपुआ निर्वाचन मंडल जो रही केउंझर जिला खास कर केउंझर जिला आम फोकस पकड़ा केउंझर जिला जो रही जो खणी खनन होनी खनन इंग्रेज शासन समय रू नहीं आज पर्यंत खणी खनन हो चली किंतु आज पर्यंत डेवलपमेंट हो पारा ना जी डेवलप होगा कथा से डेवलप हो ना से विषय कह बढ़िया क्वेश्चन कर। सबसे पहले ये बात बताना है कि जब से हमारा यहाँ पर सरकार आई है केंद्र की हो चाहे राज्य की हो चाहे हमारा अंग्रेज शासन यहाँ से जब थी तब से हमारा यहाँ पर खड़ी है ओडिशा में केउंझर डिस्ट्रिक्ट में चंपा निर्वाचन मंडली में। लेकिन यहाँ से अरबों खरबों रुपया आय होती है पहले से भी हो रही है अभी भी हो रही है और यहाँ गरीब लोग मरते चले जा रहे हैं। कुछ पहले नौकरियाँ थी अभी बड़े बड़े कंपनी आ करके यहाँ से अरबों खरब रुपया ले करके अपने अपने बाहर बाहर चले जा रहे हैं। दिल्ली चमक रहा हमारा ओडिशा में भुवनेश्वर चमक रहा लेकिन चंपुआ निर्वाचन मंडली में जोड़ा बड़बिल केउंझर पूरा डार्क में। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से जो पैसा आय हो रही है तो यहाँ सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ हमारा जोड़ा बड़बिल केउंझर में एक भी स्टील फैक्ट्री नहीं है क्यों सवाल उठता। दूसरी चीज़ है यहाँ का जो गरीब वर्ग हैं जो लोकल लोग उनको नौकरियाँ नहीं हैं बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। आज हमारा बड़बिल का हाल देख लीजिए रास्ते में लोग नहीं हैं क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। हमारा ओडिशा में हमारा चंपुआ में अच्छे अच्छे एजुकेशन ले करके घूम रहे हैं। आप देखिए खनी में माइनिंग मेड कर दिया गया बड़ा बड़ा मशीन घुसा दिया गया लेबर को हटा दिया गया माइनिंग मेड कर दिया गया और गरीब वर्ग मरते चले जा रहे उनके पास खाने का पैसा नहीं है खाने का सामग्री का पैसा नहीं है। इसी तरह से हमारा ओडिशा में खासकर निर्वाचन मंडली में चंपा में अरबों खरबों रुपए पैसा है बड़े बड़े 100-200 खनी है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमारा विकास होना चाहिए यह कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सुस्त विकास हो रहा है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको खास तौर पर देखा जाए कि अभी का जो महंगाई हो रहा है जो कि सब्जी का रेट खाद्य सामग्री का रेट जैसे आसमान छू रहा है उसका बारे में क्या बताएं। सबसे पहली बात है कि देखिए हमारा नरेंद्र मोदी साहब जब आए थे 2014 में इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर पेट्रोल डीजल गैस का उसी तरह से दाम बढ़ रहा था 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया। तो वहाँ पर बीजेपी के लोग जितने थे जितने नेता थे खासकर स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके लौकी और सब्जी लेकर के रास्ता में चूड़ियाँ फेंक रही थी मनमोहन सिंह के ऊपर में। मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे अच्छे दिन लाएंगे 15 लाख रुपया आएगा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे अच्छे शिक्षा दी जाएगी मेक इन इंडिया बनाएंगे स्किल इंडिया बनाएंगे रेलवे को अच्छा कर देंगे। साथ साथ देखिएगा कि हर चीज़ महंगा होता चला गया। अब यह सिर्फ साग सब्जी के बात मत कीजिए टमाटर आज देख लीजिए सब्जी आज देख बैंगन का दाम देख लीजिए आज एक प्याज देख लीजिए। इसी तरह से स्मृति ईरानी कह रही थी कि हर चीज़ का दाम कांग्रेस सरकार ने बढ़ा रही आज क्या हो रहा है आज तो केंद्र की सरकार है आज तो खुद है आज तो विपक्ष नहीं है आज तो आपकी सरकार है आज क्या बात है कि इस तरह से आसमान छू रहा पेट्रोल डीजल गैस हर चीज़ में आप GST लगा दिए आपका दाल में देख लीजिए चावल में देख लीजिए आपका किताबों में GST लगा दिए। हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है सबको बंद किया जा रहा है आस्ता आस्ता और प्राइवेट को प्राइवेट सेक्टर करते करते प्राइवेट स्कूलों को वहाँ पर जाइए कि आपको 6,000 रुपये में किताबें मिलेंगी आपका स्कूल का बैग जो होगा 20 kg से ज़्यादा वेट होगा। ये तो हमारा हालत है हमारा देश का महंगाई तो चरम पर आसमान छू रही है गरीब लोग मरते चले जा रहे हैं प्याज नहीं खा पा रहे हैं लहसुन नहीं खा पा रहे हैं अदरक नहीं ले पा रहे हैं ये गरीब वर्ग नीचे मरते चला जा रहा है मिडिल क्लास मरने की कगार पे। अब अडानी अंबानी कोल्ड स्टोर में रख करके टमाटर साग सब्जी सेब है चाहे कुछ भी है इस तरह से फ्रूटों को भी उन्होंने अपने वहाँ पर रख लिया बड़ा बड़ा गोडाउन करके और लोगों को जनता को वहाँ पर 150-200 रुपया महंगा इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केंद्र की सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा आखिर क्यों ये दुर्नीति क्यों आपने बड़े बड़े वादे करके आज फेलियर कर रहे हैं आप। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि खास तौर पर देखा जाए तो ये जो
खनि क्षेत्र है, जो चंपा निर्वाचन मंडली खनि क्षेत्र है, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप जो मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ कि जो खनि क्षेत्र होने का बावजूद यहाँ पे रोज़गार ख़ास तौर पर तो जनसाधारण की है, ट्रक है, ट्रक का ऊपर निर्भर करता सबकी रोज़गार। और ख़ास तौर पर अभी ट्रक इतना नहीं चल रहा है, गाड़ी खड़ा हो रहा है एवं वो लोग किस्ती नहीं दे पा रहे हैं, वो इसका बारे में क्या बताएंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये तो मैं पहले भी, हम लोग ने इस बारे में आवाज़ उठाई थी, हमारे AITUC के KMFW के जनरल सेक्रेटरी महेश्वर राउत जी ने कहा था कि देखिए यहाँ पर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, इनको रोका जाए, वरना हमारे यहाँ पर जो ट्रक ओनर्स हैं, जो ट्रक जो ड्राइवर, देखे होंगे आप, कई एक बार पहले न्यूज़ निकला था, एक बेचारा ट्रक नया लाया था, उनको लोडिंग नहीं मिल पाई, उन्होंने किस्ते नहीं दे पाया, उसी गाड़ी में उसने आत्महत्या कर लिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारा भारत कितना अच्छा खूबसूरत देश, कितना डेमोक्रेसी देश, ये केंद्र की सरकार, ये राज्य की सरकार आखिर क्या करना चाहती है, क्या सवाल इनके मन में घूम रहा है कि यहाँ पर ट्रक ओनर मरते चले जा रहे हैं, अभी किस्तियाँ नहीं भर पा रही, उनकी गाड़ियाँ घर घर में खड़ी हैं, उनके पास बैंक वाले आते हैं, वो बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे, स्कूल में एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं करा पा रहे, और बड़े बड़े पाइपलाइन लाया गया है। आप तो एक बार पहले न्यूज़ भी छोड़े थे, मैं बोलना चाहता हूँ इस तरह का पाइप लाया गया जो डायरेक्ट आपको पारादीप में जा करके पाइप को बिछाया जाएगा और यहाँ से ट्रक ओनर को हटाया जाएगा। ये कितना दर्दनाक आने वाला टाइम आ रहा है, यहाँ के ट्रक ओनर मरते चले जाएंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हम पूरा उड़ीसा वासियों को, केंद्र डिस्ट्रिक्ट के वासियों को उठना होगा, जागना होगा, इसको आवाज़ उठानी होगी, वरना आपकी पीढ़ियाँ गूंगी रह जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमारे उड़ीसा की बात नहीं है, केंद्र सरकार आप देख लीजिए, हर जगह कल कारखाने में ताला लगा दिए, जहाँ जहाँ जाइए अच्छे अच्छे एजुकेशन लेकर के नौकरियाँ ख़त्म होती चली गई, नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, अगर नौकरी मांगने से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, फवारा मारा जाता है, पुलिस बल दिखाई जाती है और कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया माध्यम की तरह से, आप तो बेसन में GST लगा दिए, रिफाइंड तेल, सरसों तेल आग उगल रहा है, टमाटर में उसी तरह से आग उगल रहा है, तो पकौड़ा तलेगा कहाँ से, बेचेगा कहाँ से, ये सवाल उठता है मेरे भाई। आपको और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो देश का अभी डेमोक्रेसी या गणतंत्र, उसका परिस्थिति अभी स्थिति कैसी है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी सवाल है। आप देखे होंगे अभी गणतंत्र हमारा भारत देश एक डेमोक्रेसी देश है, एक जमहूरियत हुकूमत है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म को यहाँ रहने का अधिकार है। ये अधिकार हमारा कानून देता है। कैसे? हमारा जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए कानून, एक संविधान लिखा कि एक देश एक कानून। कानून तभी नहीं, आपको पता होगा कि अभी UCC आई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक देश एक कानून लाना चाह रहे हैं। अरे पहले से तो एक देश एक कानून है, फिर दोबारा UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, हमारा हिंदू भाई हमारा समाज सोसाइटी में जो रहता है वो अपना समाज आस्था अपने मान के चलता है, उसी के रस्म रिवाज के साथ वो शादी करेगा, मुस्लिम भाई उसी अपना मान के चलेगा, वो भी अपना जिस तरह से निकाह करता है, जिस तरह से शादी ब्याह अगर रचाया जाता है, हिंदू भाई भी उसी तरह से करेगा, सिख भाई भी इसी तरह से करेगा, ईसाई भी भाई भी हमारे उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सत्ता सेकने के लिए UCC को लाया गया है। जैसे 2014 में 2019 में हमारे राम मंदिर के बारे में जो मुद्दा उठा कर लाया गया था, वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप मंदिर बनाइए, बगल मस्जिद के आस्था के लिए दे दिया गया। तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता सेकने के लिए BJP सरकार को तो मिली नहीं, केंद्र सरकार को। अब क्या किया गया, जैसे हमारे NRCCA लाया गया, उसी तरह से UCC को लाया गया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ताकि हिंदू मुस्लिम फिर से किया जाए और 2024 में फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी खास तौर पर देखा जाए कि जनरल इलेक्शन 2024 जो जनरल इलेक्शन है, वो जनरल इलेक्शन जो देश का बारे में क्या बताएंगे, इसका बारे में हम पूछना चाहते हैं। देखिए पूरा भारत में 140 करोड़ हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा देश में मिलकर रहते हैं। ये हमारा भारत जो है बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पर जनता उनको बैठाती है, और जो जनता जिसको बैठाती है, अभी एक देख रहे हैं षड्यंत्र किस तरह से रचा जा रहा है केंद्र की सरकार। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से खेल हुआ,
और इससे पहले भी खेल हुआ। ये लोग हम तो जनता बैठाते एक नेता को अच्छे भले चुन करके, और वहाँ पर नेता वहाँ पर टर्न लेते हैं कि 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ में बिक जाते हैं और यहाँ पर जनता मूर्ख बन जाती है। तो यहाँ पर जनता को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, ऐसे ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना है। चूँकि हमारा गणतंत्र दिवस है, हम हमेशा जनवरी हो आपका अगस्त 15 हम मनाते हैं, इसलिए आज़ादी मनाते हैं, इसलिए स्वतंत्र, ये हमारा भारत देश आज़ाद देश है। हम चुनते हैं एक नेता को कि हमारा अच्छा काम करेगा, लेकिन नेता लोग हमें धोखा देते हैं कि कहीं पर बिक्री हो जाते हैं 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ में पैसा में। इसी तरह से हमारा उड़ीसा में, यहाँ पर खासकर चंपा निर्वाचन मंडली का अपने बार बार रिपीट कर रहा है इस बात को, चंपा निर्वाचन मंडली में कोई भी खड़ा होगा, यहाँ पर क्या पैसों की खेल होती है, 1000 रुपया देंगे, शराब की बोतलें देंगे, मुर्गा मीट मछली मटन चिकन सब देंगे, वोट वहाँ मिलेगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पर सुविधा कहाँ अच्छी दी जाएगी, मेडिकल का हालत देख लिए, मेडिकल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मेडिकल नहीं है, मेडिकल है तो मेडिसिन नहीं है, ये तो हो रहा है। अब जाएंगे ना कुत्ते घूमते रहते हैं मेडिकल के अंदर में, डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा हमारा सेक्टर है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट, बड़ा से बड़ा ऑफिसर एकदम MBBS होना चाहिए, अच्छे अच्छे मेडिसिन स्टोर होनी चाहिए, अच्छे अच्छे मेडिकल होनी चाहिए, अच्छे आँख के डॉक्टर स्किन के डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन देखिएगा सुहाहा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ अपने अपने रोटियाँ सेक रहे हैं, सत्ता सेक रहे हैं। नहीं, और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कम्युनिस्ट पार्टी में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी आपका पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें आप युवा नेता हैं, तो एक तौर पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है आपका पार्टी चंपुआ जो निर्वाचन मंडली क्षेत्र में, ना पंचायत इलेक्शन ना म्यूनसिपल इलेक्शन, अभी तक जो भी जनरल इलेक्शन भी है अभी तक क्यों नहीं वो लड़ाई पे उतरा है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन से दूर क्यों रहता है आपका पार्टी? देखिए ये तो सवाल बहुत अच्छा है, मसला ये है कि देखिए हमारा चंपुआ निर्वाचन मंडली में, इससे पहले मैंने बताया कि चंपुआ निर्वाचन मंडली में आपके पास अगर अरबों खरबों रुपए है तो आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे कि BJP हो BJD हो जिस तरह से पैसा बांटते हैं। और एक चीज़ मैं पूछना, और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो बोल रहे हैं कि अरबों खरबों रुपया, लेकिन आपका पार्टी में जब भी देखा जाए, आपका पार्टी जब भी आंदोलन किया है चंपुआ में, बड़बिल में, जोड़ा में, कभी कहीं भी चंपुआ का निर्वाचन मंडली क्षेत्र में आंदोलन करता हुए देखा गया है कि बहुत बड़ा रैली देखा गया, आपका भी संगठन बहुत बड़ा संगठन है, आप बहुत पुराना संगठन है, और ख़ास तौर पर देखा जाए कि आप लोग क्यों इतना इसको मैंने बोलते हैं कि ये पार्टी पैसा दे रहा है, वो पार्टी पैसा दे रहा है, वोट खरीदा जा रहा है, तो आपका भी तो संगठन बड़ा है, तो इसका बारे में क्या बताएंगे? देखिए संगठन बड़ा है, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी भारत के संविधान के साथ चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है गरीबों के लिए, आपका चाहे खड़ी हो चाहे माइंस हो चाहे और राज्य रास्ता हो, हर जगह वो स्टैंड रहती है। हम यहाँ पर जिस तरह से यहाँ का चंपा निर्वाचन मंडली का जिस तरह से हालात कर दिए हैं कि आपके पास पैसा है तो आपको वोट मिलेगा, पैसा नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस बात में विश्वास नहीं करती, हम नहीं पैसा देंगे, नहीं हमारा इस तरह के इलेक्शन में खड़ा होने का, अगर आप इलेक्शन में खड़ा होंगे तो आपको 100-200 वोट मिलेगा, उससे ज़्यादा वोट नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे। ठीक आपका इलेक्शन से 2 दिन पहले 1 दिन पहले आपके यहाँ पैसा पहुँचाया जाएगा, दारू के बोतलें पहुँचाई जाएंगी, मीट और मछली पहुँचाए जाएंगे, तो आपको वोट देने कौन आएगा? यहाँ पर बड़े बड़े हाथी है वो वहाँ पर जाकर आप वोट देंगे और 1000-2000 रुपये देते हैं, तो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ये काम तो नहीं करेगी, हम तो संविधान के मानते हुए चलते हैं, हम संविधान को मानते हुए। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी 25 साल राज किया, 25 साल राज किया वेस्ट बंगाल में, उस टाइम भी तो वोटर लोग को खरीदा जाता था, लेकिन कैसे वो जीतते थे, वो ज्योति बोस थे वहाँ के CM, लेकिन खास तौर पर ये खनी क्षेत्र जो चंपा निर्वाचन मंडली में आपका लेबर यूनियन है, आप श्रमिक नेता भी आपका आप भी हैं, और ख़ास तौर पर बहुत बड़ा संगठन है, तो क्यों आप लोग इतना कतराते हैं इलेक्शन में लड़ाई के लिए? कतराते नहीं है, हमारा इलेक्शन में हमने खड़ा किया, हमेशा हमने फाइट किया, चाहे हमारा वार्ड मेंबर में हो चाहे हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अगर वोट लेना है तो पैसा दो,
तो भाई हम तो पैसा नहीं देंगे, हम तो बार बार आपको यही संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, हम संविधान के साथ में चलेंगे, हम बेआईन काम नहीं करेंगे, हम नहीं मुर्गा मछली। हमारा कम्युनिस्ट पार्टी में ना ही उतना इनकम है ना उतना आय है जो हम इनको पैसा दे सकते हैं। हम लोगों के लिए काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत के संविधान को मानते हुए चलती है। इसीलिए मैं इसके और ज़्यादा बहस नहीं करके यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर वोट बैंकिंग करते जो पैसा देते हैं उनको वोट दी जाती है, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ओडिशा में खासकर नहीं आ पाती है। नहीं, और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, यदि कम्युनिस्ट पार्टी आपको टिकट देगा चंपा निर्वाचन मंडली में, टिकट देगा आपको खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए बोलेगा या टिकट देगा, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारा पार्टी का जो निष्पत्ति होगा, मैं अभी युवा हूँ, मुझे बहुत आगे कुछ सीखना है, मुझे आगे हमारा उड़ीसा के खासकर चंपा निर्वाचन मंडल में जितने भी काम है जो बाकी हैं, मैं उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहूँगा, हमेशा लोगों को बताते रहूँगा, जनता को भी बताऊँगा और हमारे यहाँ राज्य सरकार को भी बताऊँगा कि ये काम फोल्ड है, यहाँ यहाँ पर काम की जाए, तभी जाके हमारा जनता को, हमारे लोगों को सुविधा होगी, महिलाओं को सुविधा होगी। और मेरी बात आप जो कह रहे हो बहुत खुशी की बात है कि हमारी पार्टी अगर मुझे चाहेगी जब भी चाहेगी, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा मुझे कहने के लिए, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे समय चाहिए आगे MP MLA बनने के लिए, और इसके लिए हमें और भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि अभी मैं युवा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, युवा पीढ़ी को मैं ला रहा हूँ लाइन में, युवाओं को बताना चाहता हूँ कि देखिए भारत एक डेमोक्रेसी देश है, ये कानून से चलता है, ना कि किसी के बोलने से चलता है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपसे, खास तौर पर देखा जाए तो इस जो उड़ीसा नवीन पटनायक जी का सरकार है, यहाँ के CM नवीन पटनायक जी हैं, तो उनका जो राजनीति है उनको देख के क्या लगता है आपको? देखिए ये तो जनता तय करती है हमेशा इलेक्शन में क्या है नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर अभी पार्टियाँ जो हैं, अभी इलेक्शन आ रही है 2024 का, आपका कांग्रेस हो, BJD हो, कम्युनिस्ट हो, BJP हो, सभी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं, और ये इसको जनता जवाब देगी 2024 में कौन जीतेगा कौन अच्छा है। हाँ, नेताएं अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको, हमारा हर समाज, हर सोसाइटी में या अपने पार्टी के में अंदर में कुछ ऐसे नेतागण होते हैं जो समाज और सोसाइटी को सत्ता सेकने के लिए रोटियां सेकते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सरकार केंद्र की भी सरकार अच्छी है, लेकिन कुछ नेता जो होते हैं यहां पर डिवाइडेड एंड रूल करते हैं, इसलिए मैं सभी को बोलना चाहता हूं, सरकार को बातें को ना सुने, कानून जो संविधान उस बात को देखते हुए चले। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि खास तौर पर यहाँ पे जो माइंस है, माइनिंग है, जो जब ऑक्शन हुआ था 2020 को ऑक्शन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी सब यहाँ पे आके ऑक्शन में माइंस को लीज पे लिए हैं, तो जैसे कि बहुत सारा कंपनी है, 2-3-4-5 कंपनी है, तो अभी का डेट में जैसे कि मार्केट अभी बोलने से बड़बिल मार्केट और जोड़ा मार्केट या चंपुआ का मार्केट या केंदुझर जिला का पूरा मार्केट, जो भी म्यूनसिपल एरिया है या पंचायत एरिया है वहाँ का मार्केट अभी स्थिति, जो इकोनॉमी है अभी इतना स्थिति ठीक नहीं है, उसका बारे में क्या बताइएगा? जी हाँ, ये तो सही बात है, जिस तरह से हमारा 2008-09-2002 में जिस तरह से हमारे यहाँ पर चल रही थी माइंस, जिस तरह से लोग यहाँ पर आकर के, बाहर से भी लोग आकर के इनकम कर रहे थे, अभी दयनीय स्थिति, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियाँ आकर के अरबों खरबों रुपए यहाँ से लूट कर ले चले जा रहे हैं, और वर्कर को हटा दिए, बड़े बड़े मशीनरी को ले आए, आप देखिए कैमरा घुमाइए, यहाँ बड़बिल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ, रूंगटा यहाँ पर एक घंटा दे दिया, घंटा मारते रहे बचते रहे, लेकिन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, यहाँ के लोग आइंदा अगर इसी तरह से खामोश रहेंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो यहाँ बड़बिल जोड़ा शहर इसी तरह से अंधकार में रहेंगे, डार्क में रहेंगे, और कोई पूछने वाला नहीं होगा, चूँकि खनित और 40-50 साल चलेगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ के लोग क्या कारोबार करेंगे, धान तो चास होगा नहीं, जिस तरह से आग लगा हुआ सब्जी का, जिस तरह से खाद्य सामग्री का आग लगा हुआ, लोग भूखे मरेंगे, यही तो हाल होगा, अगर जनता नहीं जागेगी अभी, तो आइंदा जो 24 में चुनाव आने वाले हैं उसमें बुरा हाल होने वाला है। तो आप जो इतना बोल रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति आएंगे, तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन यही है, जनता को वोट देने का अधिकार है, जनता अच्छे नेता को चुने, जनता का अधिकार है, जनता अच्छे नेता को चुने, अगर चंपुआ उड़ीसा को और भारत को विकास चाहिए तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, वो अच्छे नेता को चुने और ऐसे ऐसे नेता को दुत्कारे, नहीं तो दोबारा फिर अगर सत्ता में आ जाने के बाद ये सरकार इसी तरह से अपनी मनमानी करते रहेंगे और हम और गूंगे और बहरे बन के चलते रहेंगे, हमारे पास चप्पल भी नहीं रहेगा पहनने के लिए। धन्यवाद। देखुले कि आम संगे आज अतिथि थे चंपुआ निर्वाचन मंडली तथा केन्दुझर जिलार चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र युवनेता कम्युनिस्ट पार्टी नेता MD बद्रु जमा
सहित आम खोला कथार आज आलोचना कलु। आज जो कार्यक्रम थिला ए कार्यक्रम को आम ये रखुचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।